हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रेट थिंकर पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी लीडर आसिफ अली जरदारी की स्टोरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी लीडर आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी, बोर्न ऑन 26 जुलाई 1955, इज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियंस एंड वॉज द को चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ही सर्वड एज द 11th प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2008 टू 2013, द फर्स्ट प्रेजिडेंट बोर्न आफ्टर पार्टीशन। ही इज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान सिंस अगस्त 2018। द सन ऑफ हाकिम अली जरदारी, a land owner from Sindh, Zardari rose to prominence after his marriage to Benazir Bhutto in 1987, who became the Prime Minister of Pakistan after her election in 1988. When Bhutto's government was dismissed by President Ghulam Ishaq Khan in 1990, Zardari was widely criticized for involvement in corruption scandals that led to its collapse. When Bhutto was re-elected in 1993, Zardari served as Federal Investment Minister and Chairperson of Pakistan Environmental Protection Council. Following increasing tensions between Bhutto's brother Murtaza and Zardari, Murtaza was killed by police in Karachi on 20 September 1996. Bhutto's government was dismissed a month later by President Farooq Lighari, while Zardari was arrested and indicted फॉर मुर्तजाज मर्डर एज वेल एज करप्शन चार्जेस। दोस्तों, उसके बाद जरदारी भी एक वक्त में आके मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए, लेकिन करप्शन के चार्जेस की वजह से कुछ ज़्यादा अरसा टिक ना पाए। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।